देखिए, हम ओवरऑल पिक्चर देखेंगे अगर भारत का, भारत और मालदीव्स के कनेक्शंस पिछले कुछ सालों में काफी इम्प्रूव हो गए थे, और पर्टिकुलरली कोविड के बाद ये टूरिज्म वहां बढ़ा था। तो आज की तारीख में अगर हम लोग ओवरऑल इंडियन कैपेसिटी देखें, उसको एनालाइज करें, तो बॉम्बे से 3 फ्लाइट डायरेक्ट है, एक विस्तारा की है, एक एयर इंडिया की है, एक इंडिगो की है। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि बॉम्बे से लगभग डेली 500 पैसेंजर की कैपेसिटी है। और फिर ऑल इंडिया अगर हम देखें, ऑल इंडिया भारत से लगभग 8 फ्लाइटें डायरेक्ट हैं। तो एक हैदराबाद से, एक कोचिन से है, एक बेंगलुरु से है, दिल्ली से है। तो इस प्रकार अगर हम सारी फ्लाइटों की कैपेसिटी पकड़े, तो लगभग हमारे पास 1200 से 1300 पैसेंजर्स की कैपेसिटी रोज की है, जो बॉम्बे से माले डायरेक्ट जाती है। अब ओवरऑल इम्पैक्ट इस बात का, जो भारतीय लोगों के मन में आदर और प्रेम है प्रधानमंत्री जी की तरफ, ये इफेक्ट तो आएगा और आ रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि भाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो 1200-1500 पैसेंजर रोज के जाना आना होता है, इसके अंदर एक 20-30% कैंसिलेशंस की उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरीके से, मतलब कितना बिजनेस को कितना लॉस हो सकता है मालदीव से? बिजनेस लॉस तो हम ट्रैवल एजेंट्स को तो नहीं होगा, मालदीव एज ए कंट्री को जरूर होगा, क्योंकि लोग अपना डेस्टिनेशन बदल लेंगे। बजाय कि मालदीव के जाने के, लोग प्रोबेबली आज की तारीख में लक्षद्वीप तो रेडी नहीं है, पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, थाईलैंड, इस तरफ जाना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मालदीव। ये जरूर हो सकता है। लक्षद्वीप जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तस्वीर भी साझा की थी, लक्षद्वीप भी एक अच्छा आइलैंड है, तो वहां पर भी कुछ टूरिज्म बढ़ सकता है वहां पर? बढ़ सकता है। देखिए, लक्षद्वीप पे भी आज की तारीख में अगर देखो तो 36 द्वीप है लगभग, पर अब हमको उनको डेवलप करना पड़ेगा। अगाती एयरपोर्ट है, पर वहां पे होटल्स, सुविधाएं सब करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। पर ये बात गलत नहीं, अगर भारत के पॉइंट्स डेवलप पहले हो जाते हैं, और इक्वली प्रेजेंटेबल है आज की तारीख में। अगर हम अंडमान निकोबार भी देखें, तो अंडमान निकोबार में भी सैकड़ों आइलैंड्स हैं, पर डेवलप्ड और इनहेबिटेड आइलैंड्स आप समझो लगभग 30 के आसपास है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के टूरिज्म यहाँ बढ़ेगा। जो लोग पहले जाया करते थे टूरिज्म के लिए मालदीव, अभी क्या उनका, मतलब जैसे कि पहले जाते थे, अभी वो सेम रहेगा या अभी कहीं ना कहीं गिरावट आएगी टूरिज्म में? अब ये थोड़ा अर्ली है, पर फिर भी मुझे ऐसे उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में लोग बात कर रहे हैं और जैसे सेलिब्रिटीज के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो एक कैंसलेशन की मुहिम तो शुरू हो जाएगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेशन था, आज हमको एक्सपेक्टेशन था कि मालदीव्स कम से कम भारत से 20 फ्लाइट डायरेक्ट जाएगी, उस पर रुकावट आ जाएगी, नया ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आज 7-8 फ्लाइटें डायरेक्ट है, उसका 5 हो सकता है, पर 20 तो नहीं होगी। अब करंट सिनेरियो क्या है कैंसिलेशन को लेकर, टिकट कैंसिलेशन या फ्लाइट कुछ? ऑलरेडी लोगों ने इंक्वायरी शुरू कर दी भी, कैंसिलेशन पेनल्टी कितनी है, क्या चार्जेस लगेंगे हमने जो बुक किया है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं 20-30% कैंसिलेशन तो आएगा ही। दूसरा फियर है कि फ्यूचर बुकिंग सब बंद हो जाएगी, वो 30-40% तक कम हो सकती है। ये उम्मीद जरा ज्यादा है हम लोगों को कि ये गलत काम हो जाएगा कम से कम।